दुनिया में फैमिली है, फैमिली मैन फैमिली, और आज सैकड़ों सालों से वो टीवी से पूरी दुनिया को रोशन करते आ रहे हैं। और बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे बीच में उस फैमिली से एक बहुत बुजुर्ग शख्सियत बैठी है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से आज जो दुनिया में एजुकेशन फैली है, पूरी दुनिया में तमाम जगह पर उनकी फैमिली से निकली हुई किताबें पढ़ाई जाती हैं और तमाम स्टूडेंट उसके उसको रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो ये हम शहर वालों के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हमारे बीच में वो अच्छे साथ मौजूद है। और एक बात हाशिम साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत जिम्मेदारी के साथ वो औरतों के लिए और तमाम उम्र के लिए काम कर रहे हैं। और इसके अलावा सभी लोग जिन्होंने आज भाग दिया यहाँ पर, आप सभी का शुक्रिया। देखिए, मेरी कोशिश है कि जो तालियाँ आज यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बज रही थी, वो तालियाँ इन बच्चों के लिए बजनी चाहिए आने वाले टाइम में, जब ये बच्चे हम लोग इनको एजुकेशन देके इनको उस लेवल का तैयार करेंगे कि ये उस रोशनी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और उधर बैठने वालों की तादाद कम होनी चाहिए। मेरा मानना है कि इनको कुछ चीज़ बांटी जानी है, इनकी तादाद ज़रूरतमंद लोगों में से पूरे हिंदुस्तान में से पता लेनी चाहिए। हम लोग की कोशिश ये होनी चाहिए कि आज से 20-25 साल बाद हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क हो कि जहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में अगर हम कुछ बांटना चाहें तो हमें लोग ढूंढने पड़ेंगे किसको दें, और हम लोग वो गरीब मुल्कों को बाहर भेजें। अपने हिंदुस्तान में हर आदमी इतना बेहतर हो, इतना पैसे वाला हो, इल्म से, पैसे से, सामाजिक अखबार से, ताकि वो मजबूत हो, अपने देश को मजबूत करें, अपने शहर को मजबूत करें और एक नाम रोशन करें हम लोग पूरे हिंदुस्तान का, जहाँ तक हमको ये पता चले कि भाई ये इंडियन आ गया और अब ये सबको मतलब करने के लिए तैयार है। जैसे हम लोग बाहर कंट्री में जब जाते हैं तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि एक कंट्री में हम लोग गए तो वहाँ पे मेरी वाइफ जो है वो वेजिटेरियन खाती हैं, उनको शाकाहारी चाहिए, तो वो ढूंढने लगे पनीर की सब्ज़ी। तो एक रेस्टोरेंट देखा गूगल में मिला नहीं, दूसरा देखा, तीसरा देखा, तो बड़ी मुश्किल से इंडियन रेस्टोरेंट मिला। तो वहाँ गए, थोड़ी सब्ज़ी लेके आए, तो वो सब्ज़ी ऐसी कि जैसे कभी खाई नहीं थी इंडिया में, ये क्या है, मतलब बहुत ख़राब था। तो ये दोबारा दूसरे दिन होटल में जाना हो, उससे पूछेगा तो कौन हो पहले सही बताओ, इंडियन हो कौन हो, क्योंकि नाम तो लिखी हो रेस्टोरेंट का इंडियन और सब्ज़ी इतनी ख़राब, तो पता चला कि वो इंडियन नहीं था, दूसरे कंट्री का था और उसको सब्ज़ी बनानी नहीं आती थी। तो उससे पूछा तुमने इंडियन नाम क्यों रखा, तो बोला साहब इंडियन की बड़ी इज्जत है और इंडियन बहुत आते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, बड़ी इज्जत है, तो हमको जब इंडियन नाम रखते हैं तो हमारे कस्टमर बढ़ जाते हैं। तो ये हम लोगों की बाहर पहचान है, बाहर हमारी ये पहचान है, लेकिन हमारे खुद के शहर में हम लोग परेशान में हैं, गरीबी में, तमाम दिक्कतों में हैं। तो ये सब देखते हुए हम लोगों ने पहल शुरू करी अंबर फाउंडेशन के तहत, जिसके तहत हम लोग लखनऊ के जो ज़रूरतमंद बस्तियाँ हैं वहाँ पर चश्मों का कैंप लगाते हैं, हमारे डॉक्टर्स आते हैं, आपके यहाँ भी शायद 3 और 4 दिसंबर को, 2 और 3 दिसंबर को जहाँ पर कैंप लगेगा, आप लोग इस खबर को फैलाइए। उसमें होम्योपैथी के डॉक्टर आएंगे, आपका वोटर कार्ड वाली भी टीम अलग से आएगी, कुछ हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स को भरवाने के लिए कुछ फॉर्म्स आएंगे वो आप लोग भरिए, उसके अलावा सबसे अहम ये उसमें डॉक्टर्स आएंगे जो आपकी आँखों की जांच करेंगे, उसके बाद जो नंबर जिसको सूट करेगा वो नंबर का चश्मा उसको इसी मदरसे में प्रोग्राम करके आपको एक आध हफ्ते के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों की आँखों में मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद की वजह से उनका काम धंधा बंद हो गया, शाम को काम नहीं कर पाते, तमाम परेशानियाँ हैं, तो उन लोगों को हम लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री करा रहे हैं। ये अच्छा, उन लोगों को हम लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री करा रहे हैं। तो जो भी लोग जिनको पैसे की कमी से मोतियाबिंद नहीं करा पाते ऑपरेशन, वो हमसे कॉन्टैक्ट करें फैलान साहब के थ्रू, और यहाँ पर जो भी इंतजामिया है उसके थ्रू कॉन्टैक्ट करें। अगर ऑपरेशन किसी को जल्दी कराना है फैलान साहब, तो आप अगर कोई आज भी नाम देता है तो अगर आप बताएंगे तो हम लोग इसी संडे को उसका ऑपरेशन करा देंगे कैंप वाले। लेकिन मुझे एक बात का काफ़ी खुशी हुई कि जब हम लोगों ने चश्मे बांटना शुरू किए तो सबसे पहला चश्मा हम लोगों ने उस्तानी जी को दिया था। फिर उस्तानी जी आए, उन्होंने कहा बेटा ये चश्मा बनवा दो, और ये चश्मे से मैं बेवा हूँ और कुरान पढ़ा के बच्चों को उससे मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, उनको उनकी वो इनकम बंद हो गई, आँखें ख़राब हो गई, तो उनकी चश्मा की भी दिक्कत थी, बाद में पता चला मैंने कहा कि मोतिया मिल गया। तो जब उनको चश्मा दिया तो उनकी इनकम बढ़ी, क्योंकि वो बच्चों को जो पढ़ाई छोड़ चुके थे उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 13,000 चश्मे बांटे हैं, और इन 13,000 लोगों में जब सर्वे किया हम लोगों ने तो ये पता चला कि इन 13,000 लोगों में से 6-7,000 लोग जो काम करते थे किसी भी तरह का, आगे दर्दी वाले थे, गाड़ी चलाते थे, कोई भी थे, तो उनकी 15-20% इनकम बढ़ी है। तो आपके मोहल्ले से और इस मोहल्ले के अलावा आसपास के जो भी मोहल्ले से ऐसे लोग हो